क्रिकेट के मैदान पर बॉलिंग करने से पहले हर बॉलर यही ख्वाहिश करता होगा कि उसका सामना किसी से भी हो पर रोहित शर्मा से ना हो, क्योंकि जब रोहित हिटमैन शर्मा वार करते हैं तो गेंद बाउंड्री पार ही नजर आती है। रोहित को हिटमैन क्यों कहा जाता है, दुनिया ने मोहाली में एक बार फिर जान लिया जब श्रीलंकाई गेंदबाजों की गेंदों पर रोहित शर्मा एक के बाद एक चौके छक्के मारते चले गए और देखते ही देखते उन्होंने तीसरी डबल सेंचुरी जड़ दी। पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया दबाव में थी, खुद कप्तान रोहित दबाव में होंगे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तब ना तो टीम इंडिया दबाव में थी और ना ही रोहित शर्मा। अगर दबाव किसी पर नजर आया तो वो श्रीलंका के गेंदबाजों पर। रोहित शर्मा के दबाव में खेली गई ये अकेली दमदार पारी नहीं थी। याद कीजिए 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही थी। टीम पर मैच और सीरीज हारने का खतरा था। शिखर धवन और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने शानदार 209 की पारी खेली और टीम को मैच और सीरीज हारने के खतरे से बचा लिया। 2014 में रोहित के बल्ले से एक और दोहरा शतक आया था। ये शतक भी श्रीलंका के खिलाफ आया जो वनडे में अब तक का किसी भी बल्लेबाज का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन ये कुछ और वजह से भी खास है। कोलकाता में खेली गई रोहित की इस पारी की खास बात ये थी कि रोहित शर्मा उंगली की चोट से उबर कर 3 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और किसी भी बल्लेबाज के लिए इससे बेहतर वापसी क्या होगी कि वो अकेले ऐसा स्कोर खड़ा कर दे जो पूरी टीम के स्कोर के बराबर लगे। रोहित हिटमैन शर्मा को उनके तीसरे दोहरे शतक की बहुत बहुत बधाई। रोहित के बारे में अगर आपकी कोई राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।